नमस्कार। लोकसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, वही राजनीतिक दल भी अपनी जोड़ तोड़ में लग गए हैं। समाजवादी पार्टी अपने 9 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, जबकि कांग्रेस भी 11 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। सपा की पहली सूची में अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव का तो नाम है, लेकिन उनका खुद का नाम गायब है। ऐसे में चर्चा चल रही है कि सपा अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश की संभल सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके लिए बाकायदा उनके पास प्रस्ताव भी भेजा गया है। अखिलेश यादव की सीट को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच संभल से सपा नेताओं ने उन्हें वहां से चुनाव लड़ने के लिए प्रस्ताव भेजा है। पार्टी के जिला संगठन की ख्वाहिश अखिलेश यादव को संभल से चुनाव लड़ाए जाने की है। इसके लिए एक अनुरोध पत्र अखिलेश यादव के हाथों में दिया जा चुका है। सपा जिला अध्यक्ष फिरोज खान का कहना है कि वे खुद भी यहाँ से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, हालांकि उनकी पहली ख्वाहिश यह है कि पार्टी अध्यक्ष वहां से चुनाव लड़े। उनको उम्मीद है कि अखिलेश यादव खुद या उनके परिवार का कोई सदस्य यहां से चुनाव लड़ेगा। धन्यवाद।